हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्सिंग थेरेपी। आप देख सकते हो मैंने ये पीएनबी का एक डेबिट कार्ड मंगाया था, क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड जो था वो एक्सपायर हो चुका था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो जो डेबिट कार्ड आया है, ये आया है रुपए QS, रुकिए मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, QSPARC डुअल इंटरफेस कार्ड। तो अब इसका मतलब क्या, ये कार्ड ऐसा क्यों है? ये अभी तक हम जो PNB के डेबिट कार्ड्स देखते थे, ये उससे अलग कार्ड है। तो चलिए मैं आपको देखती हूँ। मैंने इसे खोल करके तो एक बार चेक कर लिया है, लेकिन ये कार्ड कुछ अलग है। आप अदर बैंक से देखेंगे या PNB का जो पुराना कार्ड देखेंगे, ये उस तरह नहीं है, ये इससे बिल्कुल हटके कार्ड है। तो ऐसे जो हमें बेसिक कार्ड के साथ चीज़ें मिलती हैं, ये आपका एड्रेस वगैरह जो लिखा रहता है वो है फ्रंट पर लगा रहता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये है डेबिट कार्ड, ये कुछ इस तरह के कवर में आपको मिलेगा। मैं आपको कार्ड निकाल के दिखा दे रही हूँ। आप देख सकते हो कार्ड कुछ पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ कार्ड, आप देख सकते हो आगे से कुछ ऐसा है। पहले हमारा जो नाम वगैरह लिखा रहता था वो यहाँ पे लिखा रहता था, लेकिन अब देखिए नाम ऐसे लिखा हुआ है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद आप हमें मशीन में इस तरह इंसर्ट करते, लेकिन ये जो ये सिम्बल बना हुआ है और यहाँ पर ये बस बनी हुई है, आखिर इसका मतलब क्या? और आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिप लगी है, सामने आपको कोई कार्ड नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप परेशान मत होइएगा कि हम इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह वैसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड नंबर है देखिए, ये हमें पीछे लिखा हुआ है, ये हमारा कार्ड नंबर। अब तो चलिए फिर इसके बाद से अब मैं आपको आगे बताती हूँ। कार्ड नंबर तो हमारा पीछे लिखा था, अब इसके बाद से ये जो आप देखे, ये यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में ये एक ऐसे हॉटियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, लुक एट द सिंबल वगैरह। ये जो आपको सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर ऐसा सिंबल कहीं भी किसी भी शॉप में देखते हैं तो आप वहां ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे देखिए, ये आपके कार्ड पे ये वाला सिंबल बना हुआ है। अगर आप कोई अच्छे मॉल्स वगैरह में, मेट्रो में, ऐसी आप सिटी में ट्रैवल करते हो तो आपको मेट्रो कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, आप यही कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। देखिए फास्ट, ये बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन होगा, ईजी होगा, सिक्योर ट्रांजेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए जो कार्ड के पीछे यहाँ आपका नंबर लिखा होगा, कार्ड नंबर, यहाँ पे आपका मंथ वगैरह, CVV लिखा होगा, और यहाँ पे सिग्नेचर पैनल, यहाँ आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब बात करें हम इसके विड्रॉल की, पर डे इसका विड्रॉल कितना है, ये यहाँ कुछ आपको अपना पिन वगैरह सेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब देखिए पहले तो ट्रांजेक्शन आप कितने कर सकते हैं। अगर आप PNB के ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5 ट्रांजेक्शंस फ्री हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपये प्लस GST चार्ज होगा, जो भी GST चल रहा होगा वो GST 18% आप मान लीजिए वो चार्ज होगा। तो मतलब आप टोटल PNB के ATM से 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आपका PNB का ATM हो गया, आप अदर बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आप 5 के बाद PNB से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10 रुपये चार्ज होगा। लेकिन अब आप अदर बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो देखिए 3/5 फी ट्रांजेक्शन लिखा है। ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप मेट्रो में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, तो आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ्री। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, दिल्ली, मुंबई वगैरह ये सब जो है मेट्रो सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप अदर बैंक में सिर्फ 3 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और नॉन मेट्रो सिटी जो थोड़े छोटे शहर वगैरह होते हैं वहाँ 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो इनसे। अब लिमिट की हम बात कर लें तो यहाँ देखिए लिमिट लिखा हुआ है, PNB ATM में आप इससे 20,000 रुपये निकाल सकते हो, और अदर बैंक ATM में आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो, कैश विदड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो। और पिछला जो PNB का कार्ड आता था उससे हम 25,000 कर सकते थे, तो यहाँ जो लिमिट है विदड्रॉ की वो थोड़ी कम कर दी गई है। अब डेली मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, अब आप पर डे ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हो कैश विदड्रॉल और एट ATM, तो ATM में आप 25,000 मैक्सिमम कैश विदड्रॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद से POS ई कॉमर्स साइट पे आप 60,000 तक खर्च कर सकते हो। कॉन्टैक्टलेस 5,000 आप कॉन्टैक्टलेस कर सकते हो, मतलब जो आप अपना कार्ड टैप करके करते हो। और ऑफलाइन वॉलेट में आप 500 रुपये पर ट्रांजेक्शन और 2,000 रुपये पर डे आप इससे खर्च कर सकते हो। ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, सेफ्टी फर्स्ट, ये आपको सेफ्टी वगैरह दिया कि कोई आपसे पिन वगैरह ये सब मांगे तो आप मत दें। इंस्टेंट बैंकिंग और ये सब आप कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद से यहाँ पे देखें तो हाउ टू यूज़ PNB रुपए, ये सब तो फालतू चीज़ें, लिमिट्स वगैरह आपको दिया हुआ है, बैंक एंड विड्रॉ टू हेल्ड विद अ वॉलेट अकाउंट गिवन एट अ पॉइंट ऑफ, मतलब वही 2,000, ये सब फालतू वॉलेट वगैरह। तो मेन जो चीज़ है ये आपको कार्ड जितनी फैसिलिटीज़, वही चीज़ होती है कि जो चीज़ थोड़े प्रोस के साथ आती है उसके थोड़े कॉन्स भी होते हैं। तो ये आप कार्ड, मतलब ये आपको फीचर्स तो बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन आपको उसका सेफ्टी भी बहुत बरकरार रखनी पड़ेगी, ये क्योंकि जस्ट ऐप है तो आपको बहुत बचा के इसे रखना होगा। और जो रेगुलर यूज़ करें उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज़ करें उनको थोड़ा सिक्योरली काम करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।